सहित तो भारत जर्मनी संपर्क एवं जर्मन चांसलर को सह बंधुत्व को मन पकड़ प्रधानमंत्री मोदी भारत और जर्मनी दोनों ही देश इस महत्वपूर्ण पार्टनरशिप को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं लोकतांत्रिक देशों के तौर पर भारत और जर्मनी कई कॉमन मूल्यों को साझा करते हैं इन साझा मूल्यों और साझा हितों के आधार पर पिछले कुछ वर्षों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है हमारी पिछली आईजीसी 2019 में हुई थी तब से विश्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं कोविड COVID-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव डाला है हाल की जियोपॉलिटिकल घटनाओं ने भी दिखाया कि विश्व की शांति और स्थिरता कितनी नाजुक स्थिति में है और सभी देश कितने इंटरकनेक्टेड हैं यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी सभी को नुकसान होगा इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न उथल पुथल के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं विश्व में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही है इससे विश्व के हर परिवार पर बोझ पड़ा है किंतु विकासशील और गरीब देशों पर इसका असर और गंभीर होगा